लेकिन एक और क्वालिटी कंपनी की बात करें तो रजनीश चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीए टेक वाबाग के मैनेजमेंट। वीए टेक वाबाग आपको पता होगा एक बहुत ही यूनिक और बहुत रेयर कंपनी है लिस्टेड स्पेस में, जो वाटर सॉल्यूशंस, क्लीन वाटर सॉल्यूशंस में काफ़ी बड़ा काम कर रही है। ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स ये हैं कि इनको एक एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने एक बड़ा अरेंजमेंट किया है कैपिटल रेज करने का। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बताएं, ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट कंपनी में हुआ है, कितना फायदेमंद है शेयर होल्डर्स के लिए और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? जो आपने अभी बात किया एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, अभी हमने करार किया है जिसमें कि हम 200 करोड़ डेट अगेंस्ट एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करके 200 करोड़ हम रेज कर रहे हैं। बट इससे हमारा ओवरऑल डेट नहीं बढ़ेगा, बट डेफिनेटली ये एक महत्वपूर्ण यू नो स्टेप है टुवर्ड्स डेट ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंडली, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी एक तरह से आगे हाथ बढ़ाया कि पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है वाटर में जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सो इट्स वेरी क्लियर कि इवन मल्टीलेटरल लाइक एडीबी, दे आर वेरी पॉजिटिव बोथ ऑन बीएटेक, इट्स कैपेबिलिटीज एज वेल एज द वाटर मार्केट। रजनीश, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप जो आपका एक स्टॉल रशियन प्रोजेक्ट था, वहां पर अब किस तरह की एग्जीक्यूशन हो रही है? क्या वहां पर कामकाज शुरू हुआ? क्या कंपनी और ऑर्डर्स उस रीजन में लेना चाहेगी, बिड करना चाहेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे आपको पता ही होगा कि लास्ट दिस ईयर अप्रैल में हमारा ये जो ऑर्डर था, जो कि 1200-1300 करोड़ के लगभग है, ये वाला ऑर्डर सस्पेंशन में आ गया था जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से। बट जुलाई में हमको क्लाइंट से दोबारा रिजम्पशन इसका मिल गया है, तो हमने इस पे बहुत इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट पे काम कर दिया है। इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, इट्स अ प्योर डिजाइन इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑर्डर। तो जुलाई में हमने स्टार्ट किया है। मोस्ट ऑफ द हमारा जो प्रोक्योरमेंट होता है वो लॉन्ग लीड आइटम्स होते हैं, बट अभी तक हमने इसमें हमारा 1000 करोड़ से ऊपर एग्जीक्यूशन बाकी है और हम इसमें काफी होपफुल हैं कि इसमें से एक सब्सटैंशियल पोर्शन हम मार्च तक कर पाएंगे और बैलेंस जो इसका होगा वो अगले साल में जाएगा। जहां तक और अपॉर्चुनिटीज की सवाल है, आई थिंक आपको पता ही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से सैंक्शंस हैं, नेटो कंट्रीज में सैंक्शंस हैं, तो कई जो हमारे ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स थे इस वक्त वो रशिया में एक्टिव नहीं है, तो इसलिए हम एक्टिवली एक स्ट्रेटेजिकली हम रशियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और हम वहां पर बहुत एक्टिव बिडिंग कर रहे हैं। आई थिंक बिफोर मार्च हम 3-4 बिड्स वहां पर सबमिट करेंगे रशिया में, और हमें उम्मीद है कि नॉट ओनली कि हमको ऑर्डर्स मिलेंगे बट हमको एक अच्छे मार्जिन पे ये ऑर्डर हम ले पाएंगे रशियन मार्केट से। तो अभी इट्स अ स्ट्रेटेजिक टारगेट मार्केट फॉर अस। रजनीश जी, आपकी जो ऑर्डर बुक है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की अब हो चुकी है, एक तो ये बता दीजिए आगे ऑर्डर बुक का साइज और कितना बढ़ेगा? हमारा अपना एक जो वादा है अपने स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए कि हम एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी पे हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि पहले हाफ में हमने करीब 1300-1400 करोड़ के करीब हमने बिलिंग किया है, सेकेंड हाफ में डेफिनेटली इससे ज्यादा बिलिंग होगा। और जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है, हमने इवन फर्स्ट हाफ में अराउंड 1500 करोड़ के करीब हमारे ऑर्डर इनटेक है, और मैं इतना ही इस टाइम पे आपसे शेयर कर सकता हूं कि हम जितना भी एग्जीक्यूशन करेंगे सेकेंड हाफ में उससे ज्यादा हमारा ऑर्डर बुक होगा। तो 31 मार्च 2023 में जो हमारा ऑर्डर बुक है वो आप देखेंगे कि 10,300 करोड़ से ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो कि इंश्योर करेगा कि हमारे अगले 2-3 साल की भी ग्रोथ इंपैक्ट नहीं होगी, उसमें क्लियर कट विजिबिलिटी होगी 2-3 साल की ग्रोथ स्ट्रेटजी की। जाने से पहले एक बात हमें बता के जाएं कि आपकी जो ऑर्डर बुक है इसका कॉम्पोजिशन कैसा है? हमें ये जानकारी मिली थी कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, अलग अलग नए नए स्टेट्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बात समझ रहे हैं कि रिसोर्स को अपने जो स्टेट की रिसोर्सें हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है, और उसमें आप स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कि अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें, इंक्लूडिंग वाटर।
कुछ आप बता सकते हैं कौन कौन सी नए स्टेट्स आपके साथ बातचीत कर रहे हैं और आपका गवर्नमेंट साइड कितना है अभी ऑर्डर बुक का? जो हमारा गवर्नमेंट साइड है ऑलमोस्ट अराउंड 70% जो हमारा ऑर्डर बुक है वो म्युनिसिपल सेक्टर से है, विच इज प्राइमरीली गवर्नमेंट। बट आपने देखा होगा कि हमने पिछले 2-3 साल से हम जितनी भी बिडिंग कर रहे हैं, ये स्टेट सब्जेक्ट है तो सारी बिडिंग स्टेट में होती है, तो लेकिन जो फंडिंग है हम इंश्योर करते हैं, इंश्योर आवर रिसीवेबल्स आर पेड इन टाइम। वी आर टारगेटिंग जहां पर या तो मल्टीलेटरल फंडिंग है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में। जो आपने पूछा कि कई स्टेट्स में हमारी बातचीत चल रही है, तो 2 एक्टिव एरियाज हैं जिसपे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। एक है रिसाइकल रीयूज। तो मेरे को आपको बताने में बहुत खुशी है कि जो वबाग है ये एक वन ऑफ द मेजर रिसाइकल प्लेयर है इन द वाटर सेगमेंट ग्लोबली, और करीब 2500 मिलियन लीटर्स पर डे हम पानी रिसाइकल और रीयूज कर रहे हैं जो भी प्लांट्स हमने बनाए हैं अभी तक। जो सेकंड एरिया है जहां हमारी बातचीत चल रही है वो है डीसैलिनेशन पे। तो वबाग इज वन ऑफ द टॉप 10 डीसैलिनेशन प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। जो लार्जेस्ट म्युनिसिपल डीसैलिनेशन प्लांट है इंडिया में वो हमने बनाया है चेन्नई में, और बाकी जगह पे भी मिडल ईस्ट वगैरह में इससे भी बड़े साइज के डीसैलिनेशन प्लांट हमने एग्जीक्यूट किए हैं। तो ये 2 एरियाज हैं जहां पर टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडेंशियल्स ऑफ द कंपनी आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये चलेगा। 5 स्टेट्स ने अपनी रिसाइकल रीयूज पॉलिसी पब्लिक डोमेन में डाल दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ड्राफ्ट पॉलिसी आ चुकी है, नीति आयोग से भी ड्राफ्ट पॉलिसी रिसाइकल रीयूज की आ गई है। तो एक ये मार्केट है जो कि एक डबल डिजिट में ग्रो करेगी, and Wabag will be one of the leading players in recycle, reuse and desalination in the country. Right, तो मार्केट लीडर होने का आपको इस स्पेस में फायदा जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए मिस्टर चोपड़ा, हमसे बात करने के लिए और ये सारा विजन और ये फैक्ट्स एंड डेटा हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।